जीवन में शिक्षक रहे गुलाबचंद कटारिया भले ही अभी महामहिम असम के राज्यपाल बन गए हों, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को सीख देने में कभी चूक नहीं रखते। कोई न कोई सीख वो हर आयोजन में देते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के आयोजन में आए, क्या सीख दी, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अगर स्वागत करने से टिकट मिलता तो द्रौपदी से ज्यादा किसी को मिल सकता था क्या? कमाल करते रहे। मेरे सोचता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के अडवाणी से लेकर उन सीनियर लोगों को लाने के लिए सबसे बड़ा समय देने वाला कोई व्यक्ति उदयपुर में पैदा हुआ, उसका नाम दलपत सुराणा। ये बात भी सही है। नहीं, व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत काम किया, लेकिन कुछ सीनियर लोगों ने उसको घुमा दिया कि गुलाबी कैसे मरे, इसका नहीं मिला। गुलाबी को मारने वाला ऊपर बैठा दोस्त, तू काहे का दिमाग खराब करता है? गुलाबी को मारने वाला ऊपर वाला मारेगा। अगर मेरे कलम खोटे होंगे तो ना तू बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और अगर मेरे कलम सही होगा तो कोई भी सामने भी अगर मृत्यु भी आगे खड़ी हो ना, उसको भी चुनौती देने की हिम्मत रखता हूँ। इस प्रकार के संस्कार संघ की मट्टी से मिले हैं ना, वो जीवन जीने के लिए मिला है, देश के लिए काम करने के लिए मिला, मजा लूटने के लिए नहीं। केवल और साधनों का उपयोग करके अपने आप को चौड़ा कराने की जरूरत नहीं। जो भगवान देता है दो रोटी उसको खाओ और खा करके देश को बढ़ाओ। और देश का सौभाग्य कि देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत आदमी आ गया है। अगर ऐसे समय में भी तुमने आपस में बातें छोड़े ना तो अपना दुर्भाग्य बुलाओगे, अपना अहित का डालो। मैं सोचता हूँ इसके बारे में विचार करो। अब ये मेरी कल लाइट सारे के सारे अखबार यही लिखे, मेरी आज के कार्यक्रम को नहीं लिखे, उनको तो मसाला चाहिए। राज्यपाल महोदय किधर बोल गए, क्या कर रहे? मैं कुछ नहीं बोला, मैं कहता हूँ यार जनता के सेवक हो दोस्तों। जनता तुम्हें किस मंशा से बनाती है, कितना प्यार देती है, कितना सम्मान देती है, तुम्हारा फर्ज बनता है उसका ईमानदारी से सेवा करो। और जब हम कहते हैं कि मैं मेवाड़ से हूँ तो मेवाड़ के साथ मेवाड़ का सारा इतिहास लोगों को याद आता है कि आप उस धरती के रहने वाले हो। इसका मतलब आपको और हमको कितना गौरव का अनुभव होगा कि हमारे बाप दादाओं ने जिस समर्पण और त्याग से, जिस जीवन के उत्सर्ग से इस मेवाड़ को केवल देश में नहीं दुनिया में जो ऊंचाई दी है, उस धरती के हम रहने वाले हैं। वास्तव में हम इस धरती को नमन करते हैं। यहाँ की राजगद्दी भगवान एकलिंगनाथ की, महाराणा की नहीं, ये दुनिया का एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र, जहाँ का राजा एकलिंग जी का दीवान कहलाता है, राजगद्दी का मालिक भगवान एकलिंगनाथ है। और इसलिए वास्तव में इस इतिहास को रचने में अगर किसी का आशीर्वाद इस धरती को रहा तो भगवान एकलिंगनाथ का कहा, जिसने इतने बड़े बड़े पुरुष पैदा किए, जिन्होंने मेवाड़ को भी गौरव दिया और हम सबको भी मेवाड़ के होने के कारण से जो दुनिया में कहीं भी जाते हैं जो मान और सम्मान मिलता है, उस धरती के हम रहने वाले। तो हमारा इतिहास बहुत अनोखा है।